दोस्तों, अक्सर आप अपने आइडेंटिटी प्रूफ को, अपने आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए या अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए आप अपना आधार कार्ड का यूज़ करते हैं। कभी कभी दोस्तों आपके आधार कार्ड का मिस यूज़ कर लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप मास्क आधार कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे आप अपने आधार कार्ड या अपने आइडेंटिटी को मिस यूज़ होने से बचाएंगे। आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट यही बताने वाला हूँ। और कैसे आप अपने मास्क वाले आधार कार्ड को डाउनलोड करेंगे और कैसे उसको ओपन करेंगे, क्या उसका पासवर्ड है, उसका सारा कंप्लीट वीडियो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में और देखिए और सीखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगता है तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरीके की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपना एम आधार मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है उसको डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद से आप अपना एम आधार ऐप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद से देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से डाउनलोड आधार का ऑप्शन आ रहा है, इस वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, आप रेगुलर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं या मास्क आधार कार्ड। रेगुलर आधार कार्ड में दोस्तों आपका जो 12 अंक का जो आपका आधार कार्ड नंबर होता है वो पूरा दिखाई देगा। और मास्क आधार कार्ड में दोस्तों आपको सिर्फ आधार कार्ड का जो पहला 4 अंक होता है वो दिखाई देगा, बाकी सारे छिपे रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस मास्क आधार कार्ड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, आप किस तरीके से आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इनरोलमेंट आईडी नंबर है तो इनरोलमेंट आईडी नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल आईडी जो VID होता है उस आईडी नंबर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास आधार कार्ड नंबर है तो हम आधार कार्ड वाले नंबर पर इस पे वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, आपको इस वाले बॉक्स में आपको अपना आधार कार्ड का 12 डिजिट जो होता है वो अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। यहाँ पे डालने के बाद से दोस्तों, आपको ये जो कैप्चा मिला हुआ है कैप्चा यहाँ पे आप फिल कर देंगे। फिल करने के बाद से आपको रिक्वेस्ट OTP वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट OTP वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार के तरफ से आपके मोबाइल पे 6 डिजिट का OTP आएगा। वो OTP आपको डाल के वेरीफाई करना रहता है। तो चलिए हम आपको आधार कार्ड नंबर और डाल के इतना सारे प्रोसेस करने के बाद से हम आपको दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपना आधार कार्ड और आपका ये कैप्चा फिल करने के बाद से रिक्वेस्ट OTP वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 6 डिजिट का OTP आपके मोबाइल पे आएगा। देखिए इस तरह से आ गया है। ये OTP आपको डाल के यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अपना OTP डालने के बाद से वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा PDF के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों आप इस ओपन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा। तो वो पासवर्ड वो होता है दोस्तों, जैसे आपका आधार कार्ड का जो फर्स्ट 4 लेटर होता है, जो फर्स्ट 4 लेटर आपको अपने आधार कार्ड का डालना है। उसके बाद से जो आपका ईयर, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर सन होता है वो सन आपको डालना है। जैसे आप अपने नाम का फर्स्ट 4 लेटर डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ का ईयर 4 अंक डालेंगे, वो वैसे ही आपका ये PDF ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम अपना ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ओपन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से जो भी आपका एप्लीकेशन है उस ऐप से आप ओपन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये WPS ऑफिस का ऐप है, इस वाले हम ऐप से आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको यहाँ प्लीज़ इनपुट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो पासवर्ड वही होता है दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड में जो आपका नाम होता है फर्स्ट 4 लेटर आपको इस टाइप करना है। उसके बाद से आपका डेट ऑफ बर्थ का जो जो ईयर होता है 4 अंकों का वो ईयर आपको डाल देना है। वो भी दोस्तों आपको जो फर्स्ट 4 लेटर आपको जो आपका नाम का जो है डालना है वो कैपिटल लेटर में डालना है। अपना पासवर्ड डालने के बाद से दोस्तों, आप ओके वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड खुल जाएगा PDF में। तो देखिए ओके वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं, देखिए हमारा ये आधार कार्ड खुल गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट आपका जो आधार कार्ड का जो 4 अंक है, लास्ट का 4 अंक दिखा दे रहा है, बाकी सारे छिपे हुए हैं। यही इसी को कहते हैं मास्क आधार कार्ड। तो दोस्तों, ये था पूरा कंप्लीट तरीका, मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपना मास्क आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। पूरा उसका पूरा कंप्लीट तरीका बताया और कैसे आपको पासवर्ड डालना है, क्या होता है पासवर्ड, वो सारी बातें हम आपको बताएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें
और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।